फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में बोलने वालों की अगर आप कोई नया लैपटॉप को परचेस करते हो तो उसके साथ साथ क्या कुछ कॉमन मिस्टेक करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उस लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क है या एक SSD है, तो उस स्पेस को आप कैसे बचा सकते हो। हो सकता है कि मुझे फॉर्मेट करना पड़ता है बाद में, तो आपका जितना सारा डॉक्यूमेंट डाटा है सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, तो आप कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा एक नया लैपटॉप के साथ, सारा कुछ मैं यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्ट होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं मेरा लैपटॉप में आ गया। ये पूरी तरह से नया लैपटॉप है, यहाँ पर देख सकते हो। इस लैपटॉप में देखो यहाँ पर मैं ये सारा कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस में जाके मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी ड्राइव SSD है और देखो यहाँ पर सी ड्राइव से 256 GB का SSD है। यहाँ पर देखो ऐसे करके दिखा रहे हैं। अगर ये डिलीट होता है ना, फॉर्मेट करना पड़ता है बाद में, पूरी तरह से जितना सा डाटा है सब डिलीट हो जाएगा। मुझे और एक स्पेस चाहिए, इसके लिए मुझे क्या कुछ करना होगा। देखो यहाँ पर ड्राइव चाहिए, चार्ट ऑप्शन में राइट क्लिक करो। उसके बाद देखो डिस्क मैनेजमेंट में चले जाओ, डिस्क मैनेजमेंट में आप क्लिक कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो सी ड्राइव और यहाँ पर और कुछ ड्राइव नहीं है, सिर्फ सी ड्राइव है। ये जो सी ड्राइव है ना, इस ड्राइव को मुझे और एक ड्राइव में कन्वर्ट करना है। मुझे और एक ड्राइव चाहिए, तो उस ड्राइव में मुझे सारा कुछ रखना है। इसके लिए सी ड्राइव में राइट क्लिक करो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्ट्रिंग वॉल्यूम है इसको क्लिक कर लो। और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर इतना फ्री स्पेस दिखा रहा है, मुझे इतना नहीं चाहिए। मुझे देखो यहाँ पर 237 यहाँ पर GB है, इसमें मुझे यहाँ पर 135 एक कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर 100 मैं यहाँ पर एक जो ड्राइव मुझे स्पेस चाहिए मैं यहाँ पर ले देता हूँ 135 में दे 6 दे दो, चलो 6 दे दिया और 30 ऐड कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पर 136 आ जाएगा, एक ड्राइव सेपरेट करके हो जाएगा। उस ड्राइव में अगर कुछ रखते हो तो वो सारा कुछ रहेगा। देखो यहाँ पर श्रिंक कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर ये पार्टीशन पूरी तरह से क्रिएट हो गया। इसको राइट क्लिक करो, जो पार्टीशन नया पार्टीशन क्रिएट हुआ इस पार्टीशन को राइट क्लिक करो। सी ड्राइव से स्पेस आ गया। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद न्यू सिंपल वॉल्यूम इसमें क्लिक करो। उसके बाद देखो यहाँ पर ऐसा करके जस्ट नेक्स्ट कर दो, कुछ नहीं करना होगा आपको। नेक्स्ट कर दो, ऑटोमेटिकली डी ड्राइव होगा, नेम होगा, सारा कुछ ऑटोमेटिकली लेगा, फिनिश कर देगा, फॉर्मेट कर देगा, ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर अभी दिस पीस में जाके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ड्राइव सिर्फ एक ही था, अभी यहाँ पर दो डी करके एक ड्राइव है, 132 GB यहाँ पर बोल रहा है और यहाँ पर 104 GB मेरा सी ड्राइव है। अभी मैं यहाँ पर मेरा कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है मैं डी ड्राइव में रख सकता हूँ। अगर बाद में मेरा कंप्यूटर को पूरी तरह से फॉर्मेट करना पड़ता है तो मैं सी ड्राइव को फॉर्मेट कर सकता हूँ और डी ड्राइव जैसा है ऐसा ही रहेगा, कुछ भी फॉर्मेट नहीं होगा। तो अगर आप कोई नया लैपटॉप को परचेस करते हो उसके साथ साथ एक हार्ड डिस्क या कोई SSD आपको साथ मिलता है, अभी जाके विंडोज 11 है या 10 है तो उसका स्टार्ट ऑप्शन में राइट क्लिक करो। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट में चले जाओ। उसके बाद आप श्रिंक पार्टीशन करके और एक पार्टीशन क्रिएट कर लो। उस पार्टीशन में आप सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, जितना सारा पिक्चर या कुछ इंपॉर्टेंट फाइल होगा आपका आप रख सकते हो। अगर बाद में फॉर्मेट होता है लैपटॉप का, जो विंडोज है विंडोज करप्ट हो सकता है, तो वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेव रहेगा। तो अगर आप कोई नया लैपटॉप को परचेस करते हो तो फर्स्ट आपका काम ये है कि एक नया पार्टीशन को क्रिएट कर लेना। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर देखने का कोशिश किया कि अगर आप कोई नया लैपटॉप को परचेस करते हो तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा। फर्स्ट एक स्टेप, अगर ये स्टेप आप मिस्टेक करते हो बाद में बहुत सारा दिक्कत आ सकता है, आपका पूरा इंपॉर्टेंट डेटा डॉक्यूमेंट सारा कुछ डिलीट हो सकता है। तो अभी जाकर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक पार्टीशन को सेपरेट करके क्रिएट कर लो, अगर एक ही पार्टीशन है तो। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपको कोई भी सवाल है इस वीडियो लेके तो इस वीडियो का नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल कांटेक्ट न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते और मिलते बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।